नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल शिक्षा एकेडमी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में है एशिया महाद्वीप। दोस्तों एशिया महाद्वीप के बारे में अपन आज डिस्कस करेंगे, क्षेत्रफल के बारे में, जनसंख्या के बारे में, जनसंख्या घनत्व के बारे में, सबसे बड़ा देश कौन सा है, सबसे छोटा देश कौन सा है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, सबसे लंबी नदी कौन सी है और सबसे बड़ा मनुस्थल कौन सा है एशिया महाद्वीप का। तो चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं एशिया महाद्वीप के कुल क्षेत्रफल की। दोस्तों कुल क्षेत्रफल इसका है लगभग 4,40,30,300 वर्ग किलोमीटर है यह एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल, जो कि दोस्तों कुल संपूर्ण विश्व का लगभग 30% है। इसके बाद बात करते हैं जनसंख्या की। तो दोस्तों जनसंख्या एशिया महाद्वीप की है 3,87,90,00,000 के लगभग है और दोस्तों यह संपूर्ण विश्व का लगभग 60% है, जो कि एशिया महाद्वीप में निवास करती है कितनी 60%। और दोस्तों जनसंख्या घनत्व की बात करें तो एशिया महाद्वीप का जनसंख्या घनत्व है 80 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। दोस्तों यह एशिया महाद्वीप का है जनसंख्या घनत्व। चलते हैं और आगे की बात करते हैं। दोस्तों क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के हिसाब से रूस देश, जो कि सबसे बड़ा है। इसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश है मालदीव। दोस्तों सब जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश या सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, दोस्तों चीन देश है सर्वाधिक जनसंख्या वाला एशिया महाद्वीप में। और इसके बाद दूसरे नंबर आता है अपना देश भारत देश का। इसके बाद दोस्तों सबसे कम जनसंख्या वाला देश है सिंगापुर। दोस्तों सबसे कम जनसंख्या है सिंगापुर देश में। इसके बाद चलते हैं आगे। दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है और दोस्तों इसका कुल क्षेत्रफल है 4,40,30,300 वर्ग किलोमीटर है, जो कि संपूर्ण पृथ्वी का लगभग कितने 30% है। जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ कितना परसेंट है, 30% है। इसके बाद एशिया महाद्वीप पर विश्व की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है। कितनी 60% जनसंख्या निवास करती है और इसी कारण से एशिया महाद्वीप को मानव का घर कहा जाता है। क्या मानव का घर कहा जाता है, किसको, एशिया महाद्वीप को। तो एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश रूस है, तथा सबसे छोटा देश है मालदीप। सबसे बड़ा देश रूस क्षेत्रफल की दृष्टि से और सबसे छोटा देश मालदीप है। इसके बाद बात करते हैं एशिया महाद्वीप का जनसंख्या में। जनसंख्या में सबसे बड़ा देश है चीन और सबसे छोटा देश है सिंगापुर। सबसे बड़ा देश चीन और सबसे छोटा देश है सिंगापुर। दोस्तों यह क्षेत्रफल में है सबसे बड़ा रूस और सबसे छोटा मालदीप और जनसंख्या में सबसे बड़ा चीन और सबसे छोटा सिंगापुर। इसके बाद दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब का प्रायद्वीप है, जो कि एशिया महाद्वीप में ही स्थित है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं एशिया महाद्वीप की स्थिति के बारे में। दोस्तों एशिया महाद्वीप के उत्तर दिशा में है आर्कटिक महासागर। उत्तर दिशा में क्या है, आर्कटिक महासागर। यहाँ पर पूरा लगा दोस्तों इस दिशा में है आर्कटिक महासागर। इसके बाद दक्षिण दिशा में है हिंद महासागर। दक्षिण दिशा में क्या है दोस्तों, हिंद महासागर, यानी कि यहाँ पर है पूरा हिंद महासागर। यह दक्षिण दिशा है एशिया की, यहाँ पर है हिंद महासागर। और दोस्तों पूर्व में प्रशांत महासागर। दोस्तों एशिया का पूर्व यह रहा तो यहाँ है प्रशांत महासागर, है यहाँ पर प्रशांत महासागर है। इसके बाद इस पश्चिम दिशा में, यानी कि ए वाली दिशा, पश्चिम दिशा में क्या है, पश्चिम दिशा में है अफ्रीका महाद्वीप। यह रहा अफ्रीका महाद्वीप।
अफ्रीका महाद्वीप और यहाँ पर जो है यूरोप महाद्वीप, यहाँ पर यूरोप महाद्वीप। तो दोस्तों आप यहाँ बात कर सकते हैं कि उत्तर में तो है आर्कटिक महासागर, और दक्षिण में है हिंद महासागर, और पूर्व में प्रशांत महासागर, और पश्चिम में है अफ्रीका और यूरोप महाद्वीप, इसके चारों ओर फैले हुए हैं यह सब। आप इसको भी आसानी से याद रख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से स्वेश नहर अलग करती है। अफ्रीका महाद्वीप को स्वेश नहर का अलग करती है दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको यह अभी पहले बताया था, यह रहा अफ्रीका महाद्वीप, यहाँ पर जो स्वेश नहर है यहाँ पर यह अलग करती है अफ्रीका महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से। और यह नहर कहाँ लाल यह ना यह स्वेश नहर है जो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। इसके बाद दोस्तों एशिया महाद्वीप से यूरोप महाद्वीप को यूराल पर्वत और कैस्पियन सागर या काला सागर अलग करते हैं। देखिए अफ्रीका महाद्वीप से तो करती है स्वेज नहर, और यूरोप महाद्वीप से अलग करती है यूराल पर्वत और कैस्पियन सागर, यह दोनों अलग करते हैं एशिया महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से। इसके बाद आगे बात करते हैं दोस्तों, एशिया महाद्वीप में विश्व की सबसे ऊंची चोटी भी है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी है जो एशिया महाद्वीप में स्थित है दोस्तों, यह है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट है इसका नाम, माउंट एवरेस्ट है जो कि नेपाल देश में स्थित है। कहाँ पर है? नेपाल देश में स्थित है दोस्तों। इसे नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है, नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। और इसकी ऊंचाई है 8850 मीटर, 8850 मीटर है इसकी ऊंचाई। और दोस्तों अगला है, एशिया महाद्वीप में विश्व की सबसे गहरी गर्त भी है। सबसे गहरी गर्त कौन सी है? मैरियाना गर्त स्थित है। मैरियाना गर्त सब विश्व की सबसे गहरी गर्त है दोस्तों। यह कहाँ पर? प्रशांत महासागर में फिलीपींस देश के पास स्थित है। कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में फिलीपींस देश के पास स्थित है। और इसकी गहराई है लगभग 11,033 मीटर, 11,033 मीटर है इसकी गहराई। इसके बाद दोस्तों एशिया महाद्वीप में विश्व का सबसे ऊंचा पठार भी है। एशिया क्या? विश्व का सबसे ऊंचा पठार भी है, जिसे तिब्बत का पठार या पामीर का पठार कहते हैं। तिब्बत का पठार या पामीर का पठार कहते हैं दोस्तों, जिसे विश्व की छत भी कहा जाता है, जिसे विश्व की छत भी कहा जाता है। और इसकी ऊंचाई है लगभग 5,000 मीटर, लगभग 5,000 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसके बाद अगला है, एशिया महाद्वीप में विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग भी है। सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा रेल मार्ग है दोस्तों? ट्रांस साइबेरियन के नाम से जाना जाता है। यह क्या? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग के नाम से जाना जाता है दोस्तों, जिसकी लंबाई लगभग 9,400 किलोमीटर है, यानी कि 9,400 किलोमीटर है दोस्तों। यह रूस देश की राजधानी मॉस्को से पूर्वी शहर व्लादिवोस्तोक को जोड़ता है दोस्तों। यह कहाँ पर? रूस देश में स्थित है। और कहाँ से यह है दोस्तों? रूस की राजधानी मॉस्को से रूस के पूर्वी शहर व्लादिवोस्तोक को जोड़ता है। इसके बाद कुछ आगे बात करते हैं दोस्तों, विश्व की सबसे गहरी झील। दोस्तों विश्व की सबसे गहरी झील जो कि एशिया महाद्वीप में स्थित है, क्या नाम इस झील का? बैकाल झील के नाम से जानी जाती है। क्या? बैकाल झील के नाम से जानी जाती है। और यह कहाँ पर है? रूस देश में स्थित है। कहाँ पर? रूस देश में स्थित है। इसके बाद बात करें दोस्तों, एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी। एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है यांग टिसी क्यांग। सबसे एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी यांग टिसी क्यांग है, और जिसकी लंबाई है लगभग 6,300 किलोमीटर, लगभग 6,300 किलोमीटर है।
और दोस्तों यह कहाँ पर? चीन देश में बहती है, चीन देश में बहती है। इसके बाद दोस्तों विश्व में सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा या बड़ा नहीं जो सबसे ज़्यादा वर्षा भारत देश के मेघालय राज्य में मासीराम और चेरापूंजी में होती है। विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा भी एशिया महाद्वीप में ही होती है, एशिया महाद्वीप के भारत देश में और भारत देश के मेघालय राज्य में और मेघालय राज्य के मासीराम और चेरापूंजी एक जगह है जहां पर यह वर्षा होती है, यहां सर्वाधिक वर्षा होती है। इसके बाद दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा है जिसे गंगा या ब्रह्मपुत्र का डेल्टा भी कहा जाता है। जिसे क्या? ब्रह्मपुत्र, गंगा या ब्रह्मपुत्र का डेल्टा भी कहा जाता है। यह दोस्तों भारत और बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। क्या नाम से? सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, जो कि एशिया महाद्वीप में स्थित है और यह इसका नाम है माजुली द्वीप का। क्या नाम है? माजुली द्वीप, जो कि असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।